हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम फाइलम ब्रायोफाइटा डिस्कस करेंगे और एल्टीग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइटा में आपको ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण, प्रजनन और ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व तथा कुछ जीनस है जैसे कि रिक्सिया, मार्गेंशिया, इंथोसेरोस और फ्यूनेरिया की संरचना और जीवन चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है तो इसमें मैंने ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, प्रजनन, वर्गीकरण और आर्थिक महत्व और फ्यूनेरिया को डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो बचे हुए जीनस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइटा, इसके लक्षण हैं ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो ब्रायोफाइटा शब्द दिया गया था इसका प्रतिपादन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक माना जाता है। जो इंडियन ब्रायोलॉजी है उसका जनक माना जाता है किसे? प्रोफेसर एस आर कश्यप को। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स स्थलीय होते हैं तथा ये छायादार स्थानों में उगते हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है कि पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियन किसे कहते हैं पादप जगत का, तो वो कहते हैं किसको? ब्रायोफाइट्स को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ब्रायोफाइट्स प्रायः नम स्थानों, नम दीवारों, नम भूमि, लकड़ी के लट्ठों, नदी व तालाब के किनारे, तनों तथा नम चट्टानों पर पाए जाते हैं। भारत में ब्रायोफाइट्स की सर्वाधिक प्रजातियां कहां पर पाई जाती हैं? पश्चिमी हिमालय पर पाई जाती हैं। जो इसकी सबसे ज़्यादा हिमालय प्रजातियाँ हैं ब्रायोफाइट्स की, तो ये पश्चिमी हिमालय पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स में संवहन बंडल या वैस्कुलर बंडल का अभाव होता है, इसलिए इन्हें एट्रेकिएटा कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इनमें क्योंकि वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं तो इसलिए इन्हें एट्रेकिएटा कहते हैं। सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइट है वो डॉसोनिया है, डॉसोनिया मॉस, जिसकी लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई? 40 से 70 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है डॉसोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स के आवासों में काफ़ी विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि बॉक्स बोमिया सड़ी गड़ी लकड़ियों पर तथा डेंड्रोसेरोस कोनीफेरस बच्चों पर मिलते हैं। जो बॉक्स बोमिया होता है ये कहाँ पर मिलता है? सड़ी गली लकड़ियों पर उगता है, तथा जो डेंड्रोसेरोस होता है वो कोनीफर्स वृक्षों पर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्फेग्नम मॉस होता है इसमें पानी सोखने की अत्यधिक क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग पौधों को स्थानांतरित करते समय किया जाता है। इसे बॉग मॉस या पीट मॉस भी कहते हैं। जो स्फेग्नम होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में टीजीटी पीजीटी एग्जाम के, इसमें है कि बॉग मॉस या पीट मॉस किसे कहते हैं, तो वो स्फेग्नम को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स में सबसे विकसित बीजाणुद्भिद एंथोसेरोस का होता है। इसमें जो सबसे विकसित बीजाणुद्भिद होता है वो किसका होता है? एंथोसेरोस का होता है। जबकि सरल प्रकार का किसमें होता है? रिक्सिया में पाया जाता है। रिक्सिया में कैसा होता है स्फोरोफाइट? सरल प्रकार का होता है। और जो एंथोसेरोस में होता है वो कैसा होता है? सबसे विकसित प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुंधानी मतलब एंथ्रीडियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, नर जननांग एवं स्त्रीधानी आर्चिगोनियम मादा जननांग होते हैं। इनमें जो नर और मादा जननांग होते हैं वो क्रमशः एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी ब्रायोफाइट्स में विशेषतया लिवरवर्ट्स में भ्रूणीय विकास के दौरान दो भाग एम्पीथीसियम और एंडोथीसियम स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब इनका भ्रूणीय विकास होता है जैसे कि लिवरवर्ट्स, तो इनमें भ्रूणीय विकास के समय दो भाग होते हैं एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, एंडोथीसियम से स्पोरोजेनस टिश्यू तथा बाद में बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। जो एंडोथीसियम होता है इससे क्या बनता है? स्पोरोजेनस टिश्यू बनते हैं और बाद में बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोर मदर सेल बनती है, जो अंत में अर्धसूत्रीय विभाजन से बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये जो बीजाणु मात्र कोशिका बनती है ये अंत में अर्धसूत्रीय विभाजन से बीजाणुओं के निर्माण करती है या बीजाणुओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः ब्रायोफाइट्स का बीजाणुभेद या स्पोरोफाइट पाद, फुट, सीटा तथा कैप्सूल में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल में विभाजित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइटा पौधों की पादप का या जो उनकी प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। कैसी होती है इनकी प्लांट बॉडी या पादप का कैसा होता है? गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद होती है,
जो कि जीवन चक्र की अगुणित अवस्था या हैप्लॉइड स्टेज है। इस वर्ग का मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। जो ये ब्रायोफाइट है, इसका जो मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है? युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट होता है, जो कि स्वतंत्र तथा स्वयंपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक होता है। मींस अपने भोजन का निर्माण खुद करता है। कैसा होता है? स्वतंत्र तथा स्वयंपोषी होता है मतलब ऑटोट्रॉफिक, जो अपने भोजन का निर्माण खुद करता है। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण व इसके लक्षण। तो जो ब्रायोफाइटा है, इसे तीन क्लासेस में विभाजित किया गया है। पहली है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा है एंथोसेरोटॉप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। अब इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है हिपैटिकोप्सिडा, इसके लक्षण देखते हैं। जो इसकी प्लांट बॉडी होती है या पादप काय होता है हिपैटिकोप्सिडा का, तो ये कैसा होता है? थैलस होता है, जो कभी कभी तना पत्ती एवं मूलांग मतलब राइजॉइड्स में विभाजित होता है। जो क्या होता है? कभी कभी तना पत्ती एवं मूलांग में विभाजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूलांग दो प्रकार के, सपाट भित्ति वाले एवं गुलकीय या ट्यूबर कुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सपाट भित्ति वाले होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं? गुलकीय या ट्यूबर कुलेटेड मतलब ट्यूब लाइक होते हैं। नेक्स्ट है थैलस की अधरतल पर शल्क होते हैं। क्या होते हैं? इनमें शल्क पाए जाते हैं थैलस के अधरतल पर। और जो इनका कैप्सूल होता है, इसमें कॉल्यूमेला का अभाव होता है, या इसको स्तंभिका भी बोलते हैं। जो कैप्सूल होता है उसमें कॉल्यूमेला का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक कोशिका में अनेक हरिमकड़क होते हैं। जो इनकी कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होते हैं? हरिमकड़क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है एंथोसेरोटॉप्सिडा, इसके लक्षण। प्रत्येक कोशा में दो या एक या दो हरित लवक होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक या दो हरित लवक पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है? जो इनका कैप्सूल होता है उनमें कॉल्यूमेला पाई जाती है। जबकि अभी आपने देखा था जो इससे पहली क्लास थी हिपैटिकोप्सिडा, उसमें कॉल्यूमेला का अभाव होता है, लेकिन एंथोसेरोटॉप्सिडा में कॉल्यूमेला पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मूलांग सपाट भित्ति वाले होते हैं तथा शल्क अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होते हैं? जो मूलांग होते हैं वो सपाट भित्ति वाले होते हैं और शल्क अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्लास आती है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में जो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद होता है, ये फुट सीटा और कैप्सूल में विभाजित होता है। किसमें विभाजित होता है? फुट सीटा और कैप्सूल में विभाजित होता है। जो इनके मूलांग होते हैं वो बहुकोशीय तथा शाखित होते हैं और इनमें तिरछेपट पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशीय तथा शाखित होते हैं और इनमें तिरछेपट पाए जाते हैं। जो इनका गैमेटोफाइट होता है, प्रोटोनिमा एवं गैमेटोफोर में विभाजित होता है। जो युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट होता है वो किसमें विभाजित होता है? प्रोटोनिमा एवं गैमेटोफोर में विभाजित होता है। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा में जनन कैसे होता है या रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ब्रायोफाइट्स में अलैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है तथा जो वर्धी जनन होता है इनमें पाया जाता है। वर्धी जनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होता है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में वो अनुपस्थित होता है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायः इनमें उगैमस प्रकार का होता है। जो इनमें लैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है? अंडयुग्मकी या उगैमस प्रकार का होता है। ब्रायोफाइटा का बीजाणुद्भिद पूर्ण विकसित होता है परंतु युग्मकोद्भिद पर पूर्णतया आश्रित होता है। जो इसका स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइटा का, ये पूर्ण विकसित होता है लेकिन फिर भी ये क्या होता है? जो इसका गैमेटोफाइट होता है उस पर पूर्णतः आश्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो वर्धी जनन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरह का होता है। तो इनमें गैमेटोफाइट में विविध प्रकार का होता है, जैसे कि विखंडन, जेमा फॉर्मेशन द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा और पुतंतु या प्रोटोनिमा तथा पत्रकलिका या बल्बिल के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमस होता है, विषम युग्मकीय प्रकार का या उगैमस प्रकार का होता है, अर्थात जो निश्चित नर पुंधानी तथा मादा स्त्रीधानी होते हैं। इनमें जो नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है? इनमें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। ये चट्टानों में उगकर उसे दूसरे बड़े पौधों को उगाने योग्य भूमि तैयार करने में सहायक होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये बड़ी बड़ी चट्टानों में उगते हैं और उग करके उन्हें क्या कैसी भूमि बना देते हैं ताकि उनमें दूसरे पौधे उग करके तैयार हो पाए, तो इसके लिए ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ मॉस जो कि तालाबों में उगती हैं, मृत्यु होने पर
मृत्यु होने पर जल के नीचे एकत्र हो जाती हैं और भूमि के निर्माण में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है जो स्फेग्नम है, ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्फेग्नम किस तरह प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रायोफाइटा घने रूप में उगने के कारण मिट्टी को बांधते हैं और इस प्रकार वर्षा के जल द्वारा भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं घने रूप में उगते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं और इस कारण से जो भूमि का कटाव होता है वर्षा में, उसको ये रोकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉस या फ्यूनेरिया, जो कि आपके ब्रायोफाइटा का पहला जीनस है फ्यूनेरिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, इसकी संरचना जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांटी, सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा, फाइलम ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर फ्यूनेरियल्स, फैमिली फ्यूनेरियसी और जीनस फ्यूनेरिया। इसकी संरचना देखते हैं। फ्यूनेरिया प्रायः सघन गुच्छों के रूप में मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? सघन गुच्छों के रूप में मिलते हैं। ये जली हुई जमीन पर बहुत संख्या में उगते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी वाय संरचना और आंतरिक संरचना, अलग अलग पढ़ेंगे। वाय संरचना में देखते हैं फ्यूनेरिया का मुख्य पौधा कैसा होता है? युग्मकोद्भिद होता है या गैमेटोफाइट होता है, जो कि दो रूपों में मिलता है, एक प्रोटोनिमा। पहला है इसका प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा या पुतंतु भी बोलते हैं इसको हिंदी में। यह भूमि पर रेंगने वाला बहुकोशीय सूत्रीय व शाखित होता है। कैसा होता है जो प्रोटोनिमा होता है? ये भूमि पर रेंगने वाला होता है, बहुकोशीय सूत्रीय व शाखित होता है। इनमें बहुत से हरित लवक पाए जाते हैं। इसकी कुछ शाखाएं भूमि में मूलाभास राइजोइड्स, मूलाभास को राइजोइड्स भी बोलते हैं, तो भूमि में राइजोइड्स व कुछ ऊपर की ओर गैमेटोफोर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर की ओर गैमेटोफोर का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आता है गैमेटोफोर या युग्मकधर। इनमें क्या होता है, जो मूलाभास या राइजोइड्स होते हैं, जो युग्मकधर स्टेज आती है, तो इसमें जो राइजोइड्स होते हैं इनमें स्तंभ या अक्ष तथा पत्तियों का बना होता है। ये किसका बना होता है? स्तंभ या अक्ष तथा पत्तियों का बना होता है। तना सीधा व शाखित होता है, इस पर छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती हैं। नेक्स्ट आती है इसकी आंतरिक संरचना। इसका मुख्य अक्ष बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस भी कहते हैं, कॉर्टेक्स तथा मेड्यूला से बना होता है। किससे बना होता है? इसका जो मुख्य अक्ष होता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और मेड्यूला से बना होता है। इनमें क्यूटिकल व रंध्र अनुपस्थित होते हैं। क्या नहीं होती? इनमें क्यूटिकल नहीं होती और रंध्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पत्ती का मध्य शिरा वाला भाग बहुकोशिकीय होता है। ये कैसा होता है? पत्ती का मध्य शिरा वाला भाग बहुकोशिकीय होता है, जिसके दोनों पार्श्वों में एक परत वाले पक्ष या विंग्स होते हैं। पक्ष की कोशिकाएं बड़ी व पतली भित्ति वाली होती हैं, जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं। पत्ती में क्यूटिकल और रंध्र अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रजनन या रिप्रोडक्शन। तो इनमें दो प्रकार का होता है प्रजनन, कायिक प्रजनन मींस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो निम्न विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि है प्राथमिक पुतंतु के विखंडन द्वारा, मतलब या इसे बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, मतलब प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो विभाजन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो देखते हैं। बीजाणु के अंकुरण से बने प्राथमिक पुतंतु के बीच, जो प्राथमिक पुतंतु मतलब जो प्रोटोनिमा होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है, तो बीजाणु के अंकुरण से जो बना प्रोटोनिमा होता है उसके बीच की कोशिकाओं की मृत्यु हो जाने पर जो पुतंतु होता है इसमें विखंडन हो जाता है। जैसे ही ये बीजाणु के अंकुरण से बनता है प्राइमरी प्रोटोनिमा, तो इनके बीच की कोशिकाओं की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इस प्रोटोनिमा में विखंडन हो जाता है और प्रोटोनिमा के विभिन्न स्थानों पर कलियां उगाती हैं। जब विखंडन होता है तो इसमें विभिन्न स्थानों पर कलियां उगती हैं और जिससे क्या होता है, नए पौधों का जन्म होता है। नेक्स्ट आता है पत्र प्रकलिकाओं या बाई बल्बिल्स के द्वारा। ये विश्राम कलिकाएं होती हैं, मूलाभास या पुतंतु पर उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर होती हैं? मूलाभास मतलब राइजोइड्स या प्रोटोनिमा पर उत्पन्न होती हैं। अनुकूल अवस्था में नए पौधे का जन्म देती हैं। क्या करती हैं? ये विश्राम कलिकाएं होती हैं और ये केवल मूलाभास या पुतंतु पर उत्पन्न होती हैं और अनुकूल अवस्था में नए पौधे को जन्म देती हैं। नेक्स्ट आता है जेमा द्वारा बाईजेमा। मुख्य अक्ष या पत्ती के अग्रभाग पर छोटी छोटी
पर्णयुक्त बहुकोशीय जेमा उत्पन्न होती हैं, जो इनकी मध्य अक्ष या मुख्य अक्ष होती है। इनके में बहुत छोटी छोटी पर्णयुक्त बहुकोशीय जेमा उत्पन्न होती हैं, जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है अबीजाणुता या एपोस्पोरी। इस विधि में बीजाणुभित या स्पोरोफाइट के किसी भाग से कुछ कोशाएं अलग हो जाती हैं और पृथ्वी पर गिरकर पुतंतु या प्रोटोनिमा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? पुतंतु या प्रोटोनिमा का निर्माण करती हैं। पुतंतु पर कलियां उत्पन्न होती हैं जो एक गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद जैसा थैलस बना लेती हैं। जो पुतंतु पर कलियां उत्पन्न होती हैं वो कैसा थैलस बनाती हैं? गैमेटोफाइट जैसा थैलस बना लेती हैं। इस प्रकार एक गैमेटोफाइट से बिना बीजाणु की सहायता के गैमेटोफाइट जैसा पौधा बन जाता है। क्या होता है? इस प्रकार से इनमें किसी भी तरह के बीजाणु की आवश्यकता नहीं होती और एक गैमेटोफाइट जैसा पौधा बन जाता है। नेक्स्ट आता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूनेरिया में लैंगिक जनन ऊगैमस प्रकार का होता है। जो फ्यूनेरिया में लैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है? ऊगैमस प्रकार का होता है, या अंडयुग्मकी भी बोलते हैं इसे, अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। इसका युग्मक दर या गैमेटोफोर उभयलिंगाश्रयी होता है, मतलब मोनोशियस होता है, तथा पुंप पूर्वी या प्रोटेंड्रस होता है। नेक्स्ट आता है इसके नर व मादा जननांग क्रमशः पुंधानी एंथ्रीडियम एवं स्त्रीधानी या आर्चिगोनियम या उगोनियम कहलाते हैं। नेक्स्ट है इनमें पुंधानी मुख्य शाखा पर लगती है, मतलब जो एंथ्रीडियम होती है वो मुख्य शाखा पर लगती है, तथा उगोनियम पार्श्व शाखा या लेटरल ब्रांचेस पर पाई जाती है। पुंधानियों के मध्य पेराफाइसिस नामक बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जो एंथ्रीडियम होता है इसके मध्य में पेराफाइसिस नामक बहुत से बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अंडधानी एक फ्लास्क के आकार की बहुकोशिकीय संरचना होती है। जो उगोनियम होती है वो एक फ्लास्क के आकार की बहुकोशिकीय संरचना होती है, जो लंबी नेक तथा फूली अंडधा मतलब वेंटर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अंडधा या वेंटर की और नेक की बनी होती है। ग्रीवा में जो नेक या ग्रीवा होती है उसमें 6 से 18 नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। वेंटर में एक वेंटर नाल होती है या अंडधा नाल होती है, तथा एक अंड कोशिका पाई जाती है। फिर से एक बार देखते हैं, जो ग्रीवा होती है या नेक सेल होती है इसमें 6 से 18 नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो वेंटर होता है इसमें एक वेंटर नाल या अंडधा नाल होती है, तथा एक अंड कोशिका पाई जाती है या एक्सेल पाई जाती है। ग्रीवा के शिखर पर 2 ढक्कन कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो इसका नेक होता है उसके शिखर पर 2 ढक्कन कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया जल में होती है। अंडधानी से स्रावित सरकरा के कारण जो पुमड़ होते हैं वो अनुचलन या कीमोटैक्टिक गति से स्त्रीधानी में प्रवेश करते हैं, तथा एक पुमड़ एक अंडाणु या अंड कोशिका से संलग्न होकर द्विगुणित युग्मनज या द्विडिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करता है। युग्मनज बीजाणुभित पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। जो जायगोट बना तो वो स्पोरोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। नेक्स्ट आता है बीजाणुभित या स्पोरोफाइट कैसा होता है फ्यूनेरिया का। तो इसके 3 भाग होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कौन कौन से होते हैं? फुट, सीटा और कैप्सूल। पहला देखते हैं फुट। ये स्पोरोफाइट का छोटा शंकु रूपी प्रचूसी या एब्जॉर्प्टिव अंग होता है। कैसा ऑर्गन होता है यह स्पोरोफाइट का छोटा शंकु रूपी तथा प्रचूसी या एब्जॉर्प्टिव अंग है, जो युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट के अग्रभाग में धंसा रहता है तथा उसमें भोजन व जल का अवशोषण करता है। तथा क्या करता है? उससे भोजन व जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट आता है सीटा। लंबा व पतला भाग है जो कि नीचे की ओर पाद या फुट पर फुट तथा ऊपर की ओर संपुटिका या कैप्सूल से जुड़ा रहता है। नीचे की ओर किससे जुड़ा रहता है? फुट से, और ऊपर की ओर कैप्सूल से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट आता है कैप्सूल या संपुटिका। एक पुंडरीकाकार या पियर शेप्ड अंग है। जो कैप्सूल होता है ये कैसा होता है? पुंडरीकाकार या पियर शेप्ड अंग है, जिसमें नीचे एपोफाइसिस, इनमें क्या होता है, नीचे की ओर क्या होते हैं? एपोफाइसिस। मध्य में उर्वर या फर्टाइल भाग होता है जिसे थीका कहते हैं। जो मध्य का उर्वर या फर्टाइल भाग होता है उसे क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। तथा ऊपर परिमुख या पेरिस्टोम होता है, ओपरकुलम, एनुलस और कैलिप्ट्रा क्रम से होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं क्रम से इसमें? थीका और ऊपर परिमुख या पेरिस्टोम, ओपरकुलम,
और वलय या एनुलस व गोपक या कैलिप्ट्रा क्रम से होते हैं। नेक्स्ट है, इसके माध्यम से केंद्रीय बंध या स्टराइल भाग जो कॉल्यूमेला को घेरते हुए बीजाणुजनक या स्पोरोजिनस लेयर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो इसका इसके माध्यम से जो इसका केंद्रीय बंध या स्टराइल भाग होता है स्तंभिका को घेरते हुए या कॉल्यूमेला को घेरते हुए स्पोरोजिनस लेयर पाया जाता है जिसमें बीजाणु रहते हैं, जिनमें क्या होते हैं स्पोर्स या बीजाणु रहते हैं। इन बीजाणु थैलियों के बाहर बड़े बड़े वायुकूप लगे होते हैं। ये जो बीजाणु थैलियाँ होती हैं इनके बाहर की ओर बड़े बड़े वायुकूप लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट अपना संपूर्ण भोजन युग्मकोद भित्त से प्राप्त नहीं करता है। जो इसका स्पोरोफाइट होता है फ्यूनेरिया का, वो क्या करता है, अपना पूरा भोजन गैमेटोफाइट से नहीं प्राप्त करता बल्कि कुछ भोजन का वह स्वयं निर्माण करता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रिक्शिया और मार्केंशिया और एंथोसिरोस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।